हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एच एस पैटर्न स्टूडियो पर। दोस्तों, आज एक और फिर मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक और न्यू वीडियो लेकर। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था फ्लिप अलोंग टूल तक, आज मैं इससे आगे स्टार्ट करूँगा। ये आपका न्यू बेस लाइन टूल, ये आपका बेस लाइन को जो भी आपकी सेंटर डायरेक्शन है वहाँ पर करता है। इसके अंदर और भी टूल हैं, ये है आपका रोटेट इनिशियल बेस लाइन, इसके नीचे आपका सेट बेस लाइन डायरेक्शन, ये आपका डायरेक्ट आपको इसकी जो भी ग्रीन लाइन करनी है, मान लो आपको इस वाले ये फर्स्ट करनी है तो फर्स्ट पे पॉइंट पर क्लिक किया, सेकंड पर क्लिक, आपका ये ग्रीन हो गई। इसके ऊपर वाला टूल है, ये आपका जो भी ग्रीन लाइन होगी उस पर इसको रोटेट कर देगा क्लिक करते ही। और इसके बाद आपका एक टूल आता है, ये सेट हाफ पीस लाइन, ये आपका होता है कि पार्ट को ओपन मिरर करने के लिए मिरर करना है आपको इसको सेंटर से। फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सेकंड पर क्लिक कर देंगे, ये आपका मिरर हो गया। मिरर का मतलब होता है आपका कि आप इस पार्ट पर जो भी चीज़ चेंजेस करोगे वो ऑटोमेटिक उस पर होते रहेंगे दूसरी तरफ, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ओपन हाफ। ओपन हाफ का मतलब है कि आपका ये मिरर लाइन मिरर हटा देगा, इसको पार्ट को ओपन कर देगा। ये ओपन हो गया, और ओपन होने के बाद अभी ऑप्टिक्स में क्या होता है कि आपका ये प्रोटेक्ट कर लेता है इसको ओपन हाफ करते ही। ये आपकी लाइन आ रही है, आप इसमें कुछ चेंज करोगे होगा नहीं, उससे पहले पूछेगा आपको रिमूव करने के लिए। इसको हटाना प्रोडक्ट को आपको पार्ट पर डबल क्लिक करना है और जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है इस पर से टिक हटा देना है। ये आपका नॉर्मल पीस हो गया। इसके बाद आपका इसी में आपका होता है, ये ओपन हाफ हो गया, ये है आपका सेट मिरर लाइन, यानी किसी पार्ट को ये ओपन करेगा उसको ओपन हाफ कर देगा। बट इसमें क्या, इस अभी हमने ओपन हाफ किया था इसमें मिरर लाइन नहीं आ रही, इसको ये ओपन करेगा उसके साथ इसमें मिरर लाइन आ जाएगी, ये बीच की मिरर लाइन देता है ओपन के साथ साथ, ठीक है। इसके बाद आपका ये टूल आता है क्रिएट पैलर। क्रिएट पैलर का टूल का काम है आपका किसी भी पे, जैसे होता है किसी चीज़ का इंटरनल लाइन आपको ड्रॉ करनी है, मान लो यहाँ पे पैच का निशान देना है, फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक किया और लास्ट पर क्लिक किया, इसमें पूछे डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पर चाहिए, यानी आपको 2 इंच पर चाहिए, 3 इंच पर चाहिए, मान लीजिए 5 इंच पर चाहिए, तो आप 5 इंच क्लिक कर देंगे और सिंपली ओके कर देंगे, ये आपका 5 इंच पर इंटरनल लाइन डल गई, ठीक है। ये यूज हो गया इसका, इसको डिलीट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट टूल है इसका एक्सटेंड इन पैरेलल। एक होता है आपका, मैंने लास्ट वाल पिछली वीडियो में बनाया था ये मल्टी मूव। इस टूल का क्या यूज है, आपका जो भी मेजरमेंट अभी 30.9/16 आ रहा है, आपका मेजरमेंट वही रहेगा, इसकी लंबाई बढ़ा देगा। हमने सेलेक्ट किया इसको, इसको हमने बढ़ा दिया मान लो 10 इंच, तो ये 10 इंच लंबाई बढ़ा दी इसने, मेजरमेंट इसका वही की वही है बॉटम का, लेकिन ये जो है आपका पैरेलल बढ़ाता है, एक्सटेंड इन पैरेलल, यानी कि इसी शेप में बढ़ाएगा इस वाली डायरेक्शन में। जैसे मान लो मैं इसकी ग्रीन लाइन गाइडलाइन ले लेता हूँ इस पर, इस वाली मुझे इस डायरेक्शन गाइडलाइन लेनी है, तो ये यहाँ से आप तक सेलेक्ट कर लिया मैंने, पीस में गए गाइडलाइन थ्रो, ये आपकी गाइडलाइन आ गई। अब इसको हम देखेंगे करके एक्सटेंड इन पैरेलल, तो जब फर्स्ट पर क्लिक किया और सेकंड पर क्लिक किया, मतलब 10 इंच बढ़ाना है आपको ये, तो 10 इंच उसी डायरेक्शन में बढ़ाएगा पैरेललली, यानी 10 इंच के बाद जितना इसका बॉटम होना चाहिए उस हिसाब से इसको इंक्रीज कर देगा बॉटम को ये, ठीक है। इस टूल का ये जो होता है, अब ग्रीन लाइन का ये जो इसको गाइडलाइन बोलते हैं, गाइडलाइन का मैंने बताया नहीं है, इसके बारे में बताता हूँ। एक होता है एक्स से आती है, एक वाई में आती है। ऊपर की तरफ से आपको सिंपली ये जो आपका मेजरमेंट आ रहे हैं, ग्राफ आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना, लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है और ये खींच देना है, ये आपकी गाइडलाइन इधर से आ जाएगी। अब आपको एक्स में गाइडलाइन लेनी है, तो सेम वही तरीका है, एक्स की तरफ से आपको क्लिक खींचना है, ये आपका गाइडलाइन आ गई, जितनी भी लेनी हो, इसकी कोई सीमा नहीं है कि एक आएगा दो आएगा, कितना भी ले सकते हो आप।
अभी जैसे मैंने इस डायरेक्शन में ली है, आपको किसी भी डायरेक्शन में आपको लेनी है, मान लो दोबारा बताता हूँ, इसी डायरेक्शन में आपको लेना है, लेनी है जिस भी डायरेक्शन में लेनी है उस वाली डायरेक्शन को आपको सेलेक्ट कर देना है। फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पर क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया। ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, एक टूल और होता है सेलेक्ट करने का, ये राइट क्लिक करोगे सेलेक्ट सेगमेंट, इस पर क्लिक किया, जहाँ जहाँ सेलेक्ट करना बीच में क्लिक कर देना, बस आपको ये सेलेक्ट हो गया। सिंपली आपको पीस में जाना है, गाइडलाइन थ्रो क्लिक कर देना है, आपकी गाइडलाइन आ गई। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इस गाइडलाइन को आपको डिलीट करना है, आप पार्ट के ऊपर डिलीट करोगे, डबल क्लिक करोगे, आपका कुछ भी ये चीज़ आपको डिलीट का ऑप्शन नहीं आता है इसमें। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, व्यू में जाना है, डिलीट ऑल गाइडलाइन क्लिक कर देना है, सारी गाइडलाइन आपकी डिलीट हो गई। ठीक है, इसके बाद आपका आता है ये आपके जो डेस्कटॉप पर डिस्प्ले पर आपको जो सारे टूल दिख रहे हैं इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इसके कुछ टूल ऐसे हैं जो अंदर की तरफ हैं, जैसे मान लीजिए अभी आपको कुछ नया पीस आप पैटर्न बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पैटर्न में न्यू विंडो लेनी है। मान लीजिए आपको ये न्यू विंडो, न्यू पीस हो गया, इसको मैं हटा दूँगा सब कुछ, ये आपका न्यू विंडो आ गई। अब आपको यहाँ पे पीस लेना है, आपको राइट क्लिक करना है, क्रिएट अ रेक्टेंगुलर पर गए, ओके किया, ये आपका पीस की वैल्यू कुछ भी बनाना है, जो भी पार्ट का नाम है आपका, वो आपका अपने पार्ट का नाम डाल दिया, लेंथ आपकी जितनी है आप चाहिए, आपको विड्थ आपको जितनी चाहिए, ओके कर देना सिंपली, ये ओके हो गया। इसके बाद आप पैटर्न बनाना स्टार्ट कर देंगे। पैटर्न बनाने के बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताना शुरू करूँगा, अभी पहले आपका जो टूल्स की नॉलेज है वो कम्प्लीट हो जाए। इसके बाद इसके अंदर न्यू पीस के अंदर आता है, ये एक दो टूल हैं सर्कल का है, इन सब का कोई ज़्यादा यूज आपका मेरे हिसाब से होता नहीं है। सर्कल बनाना है आपको, कितने इंच का सर्कल बनाना है वो बन जाता है इस सब में। इसके बाद एक मेन टूल है इसका, क्रिएट एन आर्क पीस, कई बार हमें कली बनानी पड़ती है, तो कली आपको बनानी है, उसको क्लिक करना है, स्कर्ट वगैरह बनाते हैं जैसे घेरा बनाना हो, सिंपली इसमें आपका ये लेंथ डाल दी, ये विड्थ में आपको आएगा लंबाई, टॉप लेंथ में इसका बॉटम आ जाता है, और लेंथ बॉटम में आपका इसकी कमर आएगी, आप सिंपली इसको ओके कर देना है, ये आपका सर्कल तैयार हो गया। इसको हम ये वाला रोटेट वाला टूल था जिससे हम रोटेट कर रहे हैं इसको, ये रोटेट हो गया, मोस्टली इसमें इसी टूल का यूज है। एक होता है क्रिएटर स्पिरल पीस, ये आपका ये सेलेक्ट किया आपने, इस तरह की बोलते हैं जलेबी टाइप का पैटर्न बनाना होता है उसमें ये यूज होता है, रफल के लिए बेसिकली, रफल आपको बनानी है तो वहाँ पे इसका यूज होगा। ठीक है, अब मान लो आपको पैटर्न बनाना शुरू कर रहे हैं आप, आपको पता ही नहीं न्यू पीस आपने लिया, अब आपको ये नहीं पता कि वैल्यू ये 35 इंच है, सेंटीमीटर है, क्या है, इसके लिए आपको सबसे पहले आपको जाना है टूल में, लास्ट ऑफ है सबसे लास्ट प्रेफरेंस, प्रेफरेंस में जाने के बाद आपका ऑप्शन आएगा, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है वर्किंग यूनिट, वर्किंग यूनिट आपका ये रहा यूनिट में, अभी ये आपका इंचज में हो रखा है, मान लो आपको सेंटीमीटर में काम करना है तो ये आपके सारे फॉर्मेट आ गए जिसमें भी आप काम करना चाहते हो, सेंटीमीटर में क्लिक करना है, ओके कर दीजिए। टॉलरेंस ये फ्रिक्शन होता है, डेसिमल फॉर्मेट जिसे बोलते हैं, ये आपका ये आ गया, इंच में करना है ये इंच आ गया, इंच में भी आपका टॉलरेंस पूछता है, 1/8 में काम करना है, 1/16 में काम करना है, जिसमें भी आप चाहते हो 1/8 में करना चाहते हो ओके कर देना है। ये आपका राइट साइड में नीचे विंडो में आप देखोगे नीचे की तरफ यहाँ दिखा रहा है इंच स्क्वायर फीट, यानी कि आपका ये वर्किंग यूनिट इंच में हो गया। अब आपका जो भी आप न्यू पीस ले रहे हो इसके बारे में भी आपको ये लेंथ लेनी है, आप समझ लो आपको सिंपली पता है कि 35 इंच हो गया और ये 10 इंच हो गया, ये आपका पीस बन के आ गया। ठीक है,
मान लीजिए स्पीड्स का आपने कोई पीस बनाया, आपको इसको सेव करना है, फाइल में जाओगे आप, सेव एज पे जाओगे या सेव पे जाओगे, सेव क्लिक किया आपने, जहाँ भी सेव करना है, डेस्कटॉप करना है, डेस्कटॉप पे जो भी डालना है आप नाम डाल दो, मैं टेस्ट के नाम से सेव कर रहा हूँ, ये सेव कर दिया। अब इसमें अंदर भी आपका अभी पैटर्न पे नाम नहीं आ रहा है। अब इसके अंदर पैटर्न के ऊपर नाम के लिए आपको पीस में गए, ग्लोबल इंफॉर्मेशन में जाएंगे, ये आपका स्टाइल नेम ऊपर जो हमने डाल रखा था टेस्ट, ये आपका अंदर डाल देंगे और ओके कर देंगे। ये हमने ओके किया था, यानी सारे पार्टों पे पैटर्न का नाम आ गया। ठीक है, इसमें एक होता है कंपेयर लेंथ का, कंपेयर लेंथ का टूल होता है जिससे आप मेजरमेंट टूल मेजरमेंट करते हैं, कंपेयर लेंथ, ये क्लिक किया, इसकी शॉर्ट की है, आप 5 का बटन दबाओगे तो उससे आ जाएगा। इसमें आप मेजरमेंट करने के लिए होता, मान लो आपको इसकी ये मैंने नापा यहाँ से यहाँ तक का, इसको मैंने प्लस किया, प्लस करने के बाद आपका ये इसमें ऑप्शन लेंथ में आता है ऑप्शन अलोंग काउंटर, यानी कि जो सर्कल में होगा, जैसे मान लीजिए आर्म होल हो गया या फुल सर्कल वाला कुछ भी चीज़ सर्कल हो गया, गोलाई वाला हो गया, उसको आपको नापना है तो आप अलोंग काउंटर में क्लिक करेंगे तब आपको मेजरमेंट करना है। अब जैसे मान लीजिए इसकी सर्कल कम है, इसको भी नापना है तो इसको इससे ले लेंगे, लेकिन ये जो आपका अलोंग स्ट्रेट यानी कि हल्का कर्व होगा उसकी नापने के लिए होता है, ये अलोंग स्ट्रेट में नाप देगा इसको ये। ठीक है, ये हो गया, ये यानी सीधा नाप रहा है इसको। अब इसके बाद आप आता है इसमें बाय एक्स, एक्स यानी कि ये वाला आपका, ये वाले यहाँ से यहाँ, ये वाले आपका ये एक्स हो गया, ये एक्स में नाप रहा है, ये यहाँ से इस तरीके सीधा स्ट्रेट। इसमें ऑप्शन आता है एक नेक्स्ट वाई, ये खड़ा नाप रहा है, यानी कि अभी इसको तो हम नापा नहीं है, ये वाई आपका हो गया, इसमें जीरो आ रहा है। मान लीजिए आपको इसको यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू नापनी कितने इंच है, आपको सिंपली प्लस करना है और ये आपका ये वाई पर सेलेक्ट करना है, ये आपकी वाई की वैल्यू दिखाएगा, लेकिन ये कर्व है, आपको कलम काउंटर में करोगे तो आपका ये 50 इंच दिखा रहा है। स्ट्रेट नापना है वाला, ये सेंटर की वैल्यू लंबाई नापनी आपको कितने इंच है। अभी इसको वैल्यू को हटाना है आपको, मेन्यू में गए और क्लियर सब हट जाएगा, आपने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया जहाँ तक आपको लंबाई नापनी है, प्लस किया अलोंग काउंटर में, यानी कि ये नाप रहा है यहाँ से लेके पूरा इस तरीके से टोटल का। ठीक है, अब इसको स्ट्रेट में नापना है, ये आपका वाई पर क्लिक करना है, ये आपकी 50 इंच आपकी लेंथ दिखा रहा है, ये हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, मोस्टली आप पैटर्न मेकिंग के टाइम पे हमेशा इसको यूज होता है।